Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपको वो कौन से फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो. जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम पे कंट्री में इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड this pandemic is going on called corona and इससे सबसे ज्यादा वो लोग सफर करते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है एंड उन लोगों को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इस डिजीज से अनअफेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको आप अगर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी. तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी चीजें हैं जो अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले फ्रूट्स की बात करी जाए तो हमें सारे विटामिन सी वाले फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जैसे कि मौसमी, आपके ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स. आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ऑल दी फ्रेश बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरी, क्रैनबेरीज. इसके अलावा आप इंक्लूड कर सकते हैं कीवी, पपाया, टोमेटो, गुआवा अपने डाइट में अगर आप लोगों को फ्रूट्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो. अगर वेजिटेबल्स की बात करी जाए तो आपको इंक्लूड करने चाहिए सारे ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच यानी कि पालक, ब्रोकली, कैप्सिकम, ब्रिंजल यानी कि ब्रिंजल को हम क्या कहते हैं, बैंगन. हाँ, बैंगन और आखिरी में कैरेट एंड बीट रूट. इसके अलावा आपको अपने डाइट में नट्स भी इंक्लूड करना चाहिए. इट इज अ सोर्स ऑफ गुड फैट. तो इसमें आप लोग खा सकते हैं आलमंड्स जिसको आप रात भर भिगो के अगले दिन उसका छिलका उतार के खाएं एंड वॉलनट यानी कि अखरोट. इसके अलावा आपको लेमन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ग्रीन टी इन सबको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. इन सब के अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पी रहे हो. इसके अलावा आप इंक्लूड कर सकते हैं कोकोनट वाटर या फिर डिटॉक्स वाटर या फिर कोई भी विटामिन सी फ्रूट का जूस या फिर आप पी सकते हैं मिल्क या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ. So that's it for this video guys. जितने भी food item मैंने इस video में include करे हैं वो सारे काफी easily available है market में. तो आप इन सबको अपने घर में stock up कर सकते हैं and you can consume all of this in your daily diet. इससे आपकी immunity बहुत ज्यादा improve हो जाएगी. And lastly, please stay at your home guys. आप जितना ज्यादा से ज्यादा घर पे रहेंगे आपको infection होने के chances उतने ही कम होंगे और आपके आस पास वाले भी उतने ही ज्यादा safe रहेंगे. अगर आपको आज की video पसंद आई हो तो इस video को like कर दे. नीचे comment section में मुझे जरूर बताएं कि आप next video किस पे देखना चाहते हैं. अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे एंड अंटिल माय नेक्स्ट टाइम बाय.